बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक में, आज के टॉपिक में, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे रियल एंड अपेरेंट वेट। वेट का वर्ड तो आपने सुना होगा कि वेट क्या चीज़ होती है, कि कोई भी मास है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो एक्चुअली जो है वो वेट होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रियल और अपेरेंट क्या चीज़ आ गई वेट के अंदर। रियल मतलब जो उसका रियल वेट है, और अपेरेंट मतलब जो कोई डिफरेंट होगा रियल वेट से, उसकी कोई टेम्परेरी वैल्यू होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आज हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, आपने कभी सुना होगा या कहीं किसी मूवी में देखा होगा कि जो लोग स्पेसशिप में बैठे होते हैं, ऊपर स्पेस में होते हैं, वो ऐसे उड़ रहे होते हैं हवा में, यानी कि उनको वेटलेसनेस फील हो रही होती है। हम वेट की वजह से जो है अर्थ के ऊपर बैठ सकते हैं ना, अर्थ के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो हम स्पेसशिप में हमें नज़र आता है कि वो लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते, उनको ऐसा लगता है कि उनका वेट ही नहीं है और वो ऐसे हवा में उड़ते हैं। तो ये क्यों होता है, ये वेटलेसनेस कैसे होती है वहां पर, वो ये वैसे तो हम इसके रीजन पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता स्पेस में, जो कि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही होती, इसकी वजह से वो वेटलेसनेस होती है वहां पे। लेकिन इसकी डिटेल जो है वो हमने देखनी है, और डिटेल देखने से पहले हम वेट को थोड़ा सा देखते हैं कि वेट एक्चुअली क्या चीज है, कैसे होता है वेट, और क्या सिचुएशन होगी जब उस वेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो द रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है एक्चुअली वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का। हाँ, अगर हम मून पे चले जाएं तो जाहिर है वहां पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ तो नहीं होगी, वहां पे ग्रेविटी ऑफ मून होगी। तो उस वक्त जो वेट होगा हम कहेंगे कि वो मून का ग्रेविटेशनल पुल है ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिहाजा ग्रेविटेशनल इफेक्ट चेंज होने से आपका वेट भी चेंज होगा। ठीक है, अब अगर हम वेट की बात करें तो वेट को मेजर करने के लिए हम एक स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ उसके साथ हैंग करके किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ये स्प्रिंग बैलेंस है, जिस मास का आपने वेट फाइंड करना है उसको उसके साथ हैंग किया है, और यहाँ पॉइंटर से जो वैल्यू आएगी वो उसके वेट की होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस जो हमें वेट की वैल्यू दे रहा होता है वो हमेशा सही नहीं होती। इसके ऊपर जो वैल्यू आती है इसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। अब ये सही क्यों नहीं होती, और इसको हमने अपेरेंट यानी कि जाहिरी एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उस वक्त मेजर करने से वो वैल्यू आ रही होगी, इसलिए हमने उसको अपेरेंट वेट कहा है। अब क्यों ये ट्रू नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस से जो वैल्यू आती है वो हमेशा ट्रू नहीं होती, हमेशा रियल वेट की नहीं होती, क्यों कहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, Let us consider the apparent weight of an object of mass m suspended by a string and spring balance in a lift as shown in figure 5.7a. तो अब हमने अज्यूम किया है कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक स्ट्रिंग लगाकर हमने उस मास को हैंग किया हुआ जिसका वेट डिटर्मिन करना है, और इस पूरी सिचुएशन को हमने एक लिफ्ट के अंदर रखा है। लिफ्ट जो होती है जिसे आप ऊपर या नीचे जाने के लिए यूज करते हैं, उस लिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसको आपने एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। When the lift is at rest, Newton's second law tells us that the acceleration of the object is zero. अब ये लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, लेकिन लिफ्ट चल नहीं रही, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, देखिए उस वक्त जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी होंगी, दो फोर्सेस होंगी। ठीक है, एक होगी वेट की फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, एक होगी टेंशन की फोर्स जो स्ट्रिंग की वजह से है। ठीक है, उस वक्त जो है हम कहते हैं कि अगर हम इस पर अप्लाई करें
फोर्सेस अप्लाई करें या इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई करें, उस वक्त क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उस पर लगने वाली फोर्स भी जीरो होती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखें अपवर्ड फोर्स है टी, ठीक है, टी हो गई, ये हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज किया है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, ठीक है। टी अपवर्ड थी इसलिए उसको प्लस ले लिया, फिर डब्ल्यू डाउनवर्ड है उसको माइनस ले लिया, तो टी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब वो फोर्स जिसके साथ लिफ्ट ने मूव करना है जाहिर है वो एम ए के बराबर आएगी। अब चूंकि ए जीरो है तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाती है, राइट, और टी इक्वल्स टू डब्ल्यू आ जाते हैं। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से जो टेंशन इन द स्प्रिंग है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जाहिर है कि जो टेंशन है वही स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वैल्यू लेकर आ रही है ना। तो ये स्प्रिंग की टेंशन जो कि वेट के बराबर है, तो आप जो स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वैल्यू आएगी वो वेट की वैल्यू आएगी, ठीक है, रियल वेट की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। दिस सिचुएशन विल रिमेन सो लॉन्ग एज ए इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जब तक जीरो रहेगा टी इक्वल्स टू डब्ल्यू रहेगा। द स्केल थस शोज द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसी स्प्रिंग बैलेंस के स्केल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली इस टेंशन की वजह से आ रही है, स्ट्रिंग की टेंशन की वजह से, और चूंकि इस केस में स्ट्रिंग की टेंशन वेट के बराबर है तो आपके पास जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वैल्यू आएगी वो रियल वेट की आएगी, ठीक है। तो ये जो है ये तब की बात थी जब आपकी लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये वेट जो है ये लिफ्ट के मोशन के साथ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो उस वक्त देखें क्या होगा हमारे पास, टी माइनस डब्ल्यू, ये तो एज इट इज आया, इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ जो जीरो हो गया था वहां वो जीरो नहीं होगा, एम ए ही रहेगा, तो टी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विद विच इट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है। तो एम ए हो गया, W को इधर ले जाएं, W प्लस एम ए। अब देखें टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, वेट में एक और फोर्स एड होगी विच इज एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड मूव की तो इसका मतलब है ये मास भी अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इस मास के ऊपर एक और फोर्स लग रही है ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विच इज इक्वल टू एम ए। वो वाली जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो अब वेट के अंदर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि टेंशन जो है वो अब वेट के बराबर नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू वेट से ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है, एम ए टाइम ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी टेंशन की वजह से वो खाली वेट नहीं होगी बल्कि वेट के अंदर एक और फोर्स ऐड हुई हुई होगी। तो आप कहते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस अब आपको ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है, लिहाजा जो वेट अब स्प्रिंग बैलेंस ने मेजर किया वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रियल वेट। तो हमने अब ये देखा कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा सेम नहीं है, उसके ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसीलिए हमने ऊपर कहा था कि इससे जो वेट हम डिटरमाइन करेंगे वो अपेरेंट वेट होगा। तो अब हमारा अपेरेंट वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए, और ये क्यों हुआ, ये लिफ्ट की अपवर्ड मोशन की वजह से हुआ, राइट। आगे चलते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया कि अब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हमारे पास टी माइनस डब्ल्यू एज इट इज रहेगा। ये जो इक्वेशन लिखी है इसको जरा भूल दें थोड़ी देर के लिए, हम इसको अपने तरीके से देखते हैं, टी माइनस डब्ल्यू एज इट इज रहेगा, और चूंकि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है
तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होगी एम के ऊपर वो क्या होगी, माइनस एम ए होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्लस एम ए था, यहाँ पे माइनस एम ए होगा. तो जब आप डब्ल्यू को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एम ए. तो यही चीज जो है ना यहाँ लिखी हुई है. ठीक है, यहाँ उन्होंने मेथड डिफरेंट यूज किया हुआ है, लेकिन हम उसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं जिस तरह हम शुरू किया हमने. ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई है, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एम ए. तो अब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो गई, वेट में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है टेंशन डब्ल्यू से कम हो गई. तो अब जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वैल्यू आएगी वो रियल वेट से कम आएगी. ठीक है, तो हमने देखा कि फिर से वेट की वैल्यू चेंज हो रही है जो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आ रहे हैं. तो इसी वजह से हमने इसको अपेरेंट वेट कहा था कि इसकी वैल्यू चेंज होती है विद द मोशन. तो आप जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अपेरेंट वेट जो है वो कम हो गया है रियल वेट से. ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज द स्केल रीडिंग इज लेस देन डब्ल्यू बाय एन अमाउंट एम ए. ठीक है, तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि वेट कम हो गया है. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि वेटलेसनेस आ रही है. ठीक है, टू अ पर्सन इन द एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है ना उस लिफ्ट की बात हो रही है, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू वेट लेस देन डब्ल्यू, इट्स अपेरेंट वेट इज देन डब्ल्यू माइनस एम ई. यहीं से हमने वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो निकालना है. अब वेटलेसनेस एक्चुअली है क्या, ये अब हम अगले केस में देखने लगे हैं. अगले केस में हमने अज्यूम किया कि लिफ्ट के पास अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो फ्रीली फॉल कर रही है. अब आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ठीक है, कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन उसके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है. अब ये समझ लें कि लिफ्ट की रस्सी किसी ने काट दी है, तब वो फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड. ठीक है, तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो इस केस में ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ये डाउनवर्ड ही फॉल कर रही है ना, तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन इसमें एक ही जगह जी आ जाएगा. सो नाउ टी इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एम जी, और चूंकि वेट भी एम जी के बराबर होता है तो एम जी माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो. तो अब टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो वेट की वैल्यू आएगी वो जीरो होगी. तो ये क्या हुआ कि अपेरेंट वेट जीरो हो गया इस मास का, इसको कहते हैं वेटलेसनेस. ठीक है, तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, या उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, उस वक्त जो अपेरेंट वेट होता है वो जीरो हो जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो वेटलेस अपेयर होता है. ठीक है, इसको कहते हैं वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दीज कंसिडरेशंस दैट अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू इट्स ट्रू वेट. तो इन एग्जाम्पल से, इन केसेस से हमने देख लिया कि अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर नहीं है. एक्सेलरेटिंग सिस्टम में वेट की वैल्यू चेंज होती रहती है. इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही होगी उसका वेट जो है वो किसके बराबर होगा, वो उस फोर्स के बराबर होगा जो उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए इस्तेमाल होगी, नीचे गिरने से रोकने के लिए चाहिए होगी, वो अब उसका अपेरेंट वेट होगा. ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारी स्पेसशिप होती है ना, वो जब अर्थ के अराउंड मूव कर रही होती है तो उसकी हमने, उसका एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम उनको ऐसी वेलोसिटीज पर लॉन्च करते हैं कि जैसे ही वो ऑर्बिट तक पहुंचे तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव करें और उनके पास कोई और दूसरी फोर्स ना हो. तो जब एक सैटेलाइट या एक स्पेसशिप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो हम उसको कह सकते हैं ना ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है. ठीक है,
तो उस फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, चूंकि वेट और एम जी की जो फोर्स है उसकी फ्री फॉल की वजह से जो फोर्स है वो दोनों कैंसिल आउट हो रही होती हैं, तो इस वजह से वो लोग जो हैं उनका वेट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये वजह है वेटलेसनेस की। तो ये जो है ये हमारा टॉपिक था, रियल एंड अपेरेंट वेट। थैंक यू सो मच।